जिन लोगों को ठंडी चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं या फिर वो दूध दही ज्यादा से ज्यादा खाते पीते हैं, तो क्या होता है कि अक्सर उनकी आर्म जो होती है वो हैवी हो जाती है, जो ऊपर वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो इजीली आप कैसे अपनी आर्म फैट को घटा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेड पर बैठ कर ही। आज बताने वाली हूँ सिर्फ 4 एक्सरसाइज, इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है कि आर्म को आप अगर आप पतला करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। मैंने अक्सर ये देखा है और आपको भी ये लगता होगा जब आप मेरी बातें सुनेंगे कि जो लोग ज्यादा ठंडा खाते हैं, ये पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आइसक्रीम जैसे या फ्रिज की चीजें हो गई या फिर दूध दही का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो अक्सर उनकी आर्म थोड़ी हैवी हो जाती है और इस एरिया में यानी अपर बॉडी जो होती है वो थोड़ी हैवी लगती है देखने में। तो इसको इजीली कैसे रिड्यूस करना है? जब आर्म एक लिमिट से ज्यादा हैवी होने लगती है ना तो अपने आप ही लगता है कि थोड़ी पतली होनी चाहिए, टोन होनी चाहिए, तभी कोई ड्रेस आपके ऊपर सूट करती है या अच्छी लगती है। लेकिन आप बैठे बैठे इजीली अपने आर्म फैट को घटा सकते हैं। आज बताने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ 4 एक्सरसाइज। जी हाँ फ्रेंड, और सबसे पहले एक काम आपको करना है, अपने खाने को मेंटेन करना है। यानी बहुत बार बार ये नहीं कि रोज 2 आइसक्रीम आपको खानी खानी है, ऐसा नहीं। चलो ठीक है, 15 दिन में एक बार खा ली और गुनगुना खाना खाइए। कुछ भी खा रहे हैं थोड़ा सा गुनगुना करके खाइए, बहुत तेज गर्म भी नहीं, बहुत तेज ठंडा नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए डाइट के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे आप इजीली अपने फैट को घटा सकते हैं तो आप मेरी वेबसाइट sumanhealthcity.com पे विजिट कर सकते हैं। तो अब अपनी एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, कैसे आप आर्म फैट इजीली घटा सकते हैं। सबसे पहले आपको वार्म अप करना। वार्म अप कैसे करेंगे? देखो आप ऐसे बैठे रहते हो है ना, तो एकदम से एक्सरसाइज शुरू कर दोगे तो हो सकता है पेन महसूस हो, जकड़न महसूस हो। तो सबसे पहले वार्म अप जरूरी होता है ताकि आपको कोई पेन जकड़न ये सब महसूस ना हो। तो वार्म अप ऐसे करना है, सबसे पहले अपनी आर्म को फैला लीजिए और इस तरीके से सर्कल बनाइए, ठीक है। ये बिल्कुल इजी होता है और अच्छे से आपकी जो बाजुएं हैं वो थोड़ी सी हल्की सी वार्म अप हो जाएंगी, ठीक है। तो जो आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो उसकी कोई जकड़न या पेन आपको महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो कितना करना है, जैसे 10 टाइम आपने इस साइड किया, वैसे तो 20 करना चाहिए तभी वार्म अप अच्छे से हो पाएगा, और 20 रेपिटेशन दूसरी अपोजिट साइड में करना है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका वार्म अप एक्सरसाइज हो गई। तो सबसे पहले करनी ही करनी है। अब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे इस तरीके से, हाथों को अपने नीज के ऊपर रख लीजिए। अगर आप बेड के ऊपर बैठे हैं या जमीन के ऊपर बैठे, कहीं भी बैठे आराम से बैठ के करिए, चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। आप बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो आपको क्या करना है, पीछे अपने हाथों को ले जाना है और ऐसे अपनी फिंगर को क्रॉस कर लेना है आपस में इस तरीके से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अपनी एल्बो को पीछे स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे नॉर्मल करिए ऐसे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको रेपिटेशन दिखा देती हूँ। 1, 2, 5 रेपिटेशन आपको पीछे से भी दिखा दूंगी। 3, 4, 5 देखो अब मैं दिखाती हूँ पीछे से कैसे करना है। आपको ऐसे अपने क्रॉस फिंगर कर ली। 6, 7, 8, 9 and 10। तो मैंने 10 रेपिटेशन दिखाया आपको, 20 से 30 रेपिटेशन करने हैं। चाहे आप हाफ हाफ कर रहे, हाफ सुबह कर लिए और हाफ आप शाम को कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। देखो आपको क्या करना है, इस तरीके से मुट्ठियां बनानी है और आपस में ऐसे जैसे आप डिशुम डिशुम करने वाले हो, ठीक है, लेकिन डिशुम डिशुम नहीं करना है इस तरीके से, और ऐसे फिर एल्बो को पीछे ले जाने की जैसे आप पीछे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो वापस से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ढीला नहीं छोड़ना, ऐसे नहीं करना है कि ऐसे ऐसे करते रहो, पूरा टाइट करके रखना है ऐसे। 7, 8, 9, 10। तो मैंने 10 रेपिटेशन दिखाए, 20 से 30 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के भी करने हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। देखो आपको ऐसे हाथों को रखना है इस तरीके से सीधा, फिर एल्बो को पीछे लाए और अब पीछे स्ट्रेट कर दिया अपने हाथों को, फिर से बैंड किया, अपनी एल्बो से बैंड कर लिया हाथों को, फिर स्ट्रेट कर दिया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया 1, 2, 3
फोर, बिल्कुल कमर को सीधा रखना है, एंड फाइव। फाइव रेपिटेशन आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही होगी ना, तो पीछे से भी देख लीजिए। ऐसे स्टेट किया, ऐसे सिक्स सेवन एट नाइन टेन, कंप्लीट हो गई। 20 से 30 रेपिटेशन जरूर करने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको हाथों कैसे पकड़ना है, आगे नहीं पीछे जाके। पीछे चलेंगे, आपने पकड़ लिया, आप आसानी से पकड़ भी सकते हो, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको सर्कल बनाना है ऊपर से नीचे इस तरीके से। पहले आप आगे से देख लीजिए, फिर आपको पीछे से भी दिखाती हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, फाइव रेपिटेशन आपको एक साइड में घुमाना है, जैसे मैं ऐसे घुमा रही हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव। अब आपको पीछे से दिखा देती हूँ, देखो ऐसे सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अभी आपको अपोजिट साइड में भी घुमाना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। तो हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। आप इनको सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी, किसी भी टाइम कर सकते हो। बस ध्यान रखें, जब आप रिलैक्स हो और बिल्कुल मतलब शांति हो घर में, किसी काम का स्ट्रेस ना हो, तब आप करना शुरू कर दीजिए, और तब आप देखेंगे कि कितनी जल्दी इजीली बैठे बैठे ही आप अपनी आर्म फैट को आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, आपको लग रहा हल्का सा पेन महसूस हो रहा होगा लास्ट में, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, जो भी स्टिफनेस या हल्का सा पेन या आपको जकड़न सी महसूस हो रही होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप पीछे ले जाइए और ऐसे थोड़ा हल्का सा स्ट्रेच दे दीजिए, ऐसे 4 से 5 बार इधर और 4 से 5 बार इधर। तब बिल्कुल आपकी आर्म रिलैक्स हो जाएंगी और आपको अच्छा भी महसूस होगा। आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।